नमस्कार, आप देख रहे हैं हमीरपुर हलचल। क्या नाम है? धर्मपाल। क्या मामला हुआ सर? ये स्कूल में धर्मवीर मास्टर इनको ले गया अंदर, वहाँ कुंडी लगा लिया, इनके अंदर मोई में डालता था। अच्छा अच्छा, तो बच्चों ने आपको बताया? हाँ, घर में आके बच्चों ने बताया हमसे। अच्छा, आप लोगों ने उनसे कहा तो क्या कह रहे हैं? उनसे कह रहे हैं तो कुछ नहीं कह रहे। आपका क्या नाम है? धर्मपाल। आपका क्या मामला हुआ? कहाँ गए मास्टर? फरार हो गए। क्या नाम है मास्टर आपका? धर्मवीर। कहाँ के रहने वाले हैं कुछ पता? कपसा। कपसा के रहने वाले? पिता का नाम बता। पिता का नाम क्या है मास्टर आपके? भौवा। मास्टर का नाम जानते? क्या नाम? धर्मवीर। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में एक शिक्षा मित्र द्वारा दो मासूम बच्चियों से छेड़खानी का मामला सामने आया है, जिसने शिक्षा विभाग को भी कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। बता दें कि मामला मौधा कोतवाली क्षेत्र के एक गांव का है, जहां प्राइमरी स्कूल में तैनात शिक्षा मित्र धर्मवीर बीते सोमवार की दोपहर में मासूम बच्चियों को बहला फुसला कर स्कूल के शौचालय में ले गया और वहाँ बच्चियों के साथ अश्लील हरकत करने लगा। बच्चियों ने जब शोर मचाया तो आवाज़ सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। वहीं पूरे ही मामले में विकलांग पिता ने बताया कि घर आकर उनकी दोनों बच्चियों ने शिक्षा मित्र की हरकत के बारे में बताया तो पीड़ित पिता ने आनन फानन में मौधा कोतवाली पहुंचकर तहरीर दी। तहरीर के आधार पर पुलिस ने शिक्षा मित्र के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। मौधा थाने में एक पिता द्वारा कल तहरीर दिया गया कि प्राइमरी स्कूल में उसकी बच्ची और उसके परिवार की एक और बच्ची जो 5 और 6 वर्ष की हैं, स्कूल गई थी तो उनके साथ स्कूल के टीचर द्वारा दुराचार किया गया। इस संबंध में जो दुराचारी है शिक्षा मित्र धर्मवीर सिंह, इसको कपसा गांव का है और वहीं पर शिक्षा मित्र है, इसको गिरफ्तार किया गया है और उसको जेल भेजा जा रहा है। ये इसमें पाक्सो 376 के साथ पाक्सो एक्ट भी लगाया गया है और शीघ्र ही इसमें आरोप पत्र प्रेषित करके न्यायालय द्वारा इसको सजा दिलाने का कार्य किया जाएगा। क्या सर, ये इसने पहली बार अपराध किया था या पहले भी इस तरह करता रहा है बच्चों के साथ? रिटर्न में चीज़ें नहीं आई थी, लेकिन जांच करने के दौरान ज्ञात हुआ कि पहले भी इसका संदिग्ध बिहेवियर रहा है। पहले कभी ये शिकायत ऐसी आई थी लेकिन थाने तक वो बात नहीं पहुंची थी और ये जांच के दौरान ये चीज़ें मालूम हो रही हैं कि ये इस प्रवृत्ति का शुरू से ही था।